बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अजीज़ तलबा, आप लोग 1429 कोड में पास होना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को मैं बताऊँगा कि आपने तरीक़ाकार क्या करना है और आज की वीडियो में आप लोगों ने क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को जो असाइनमेंट मिलती है ना 1429 कोड की, तो वो असाइनमेंट आपको फिंगर टिप्स पर आनी चाहिए। उस असाइनमेंट की आपने प्रैक्टिस करनी है, उसके सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। जैसे मर्जी कर लें, जो मर्जी करें, आपको उसके क्वेश्चंस हर हाल में आने चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि उस दोनों असाइनमेंट में से कम आपका जो पेपर है वो 20 से 30 नंबर का आता है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप कर सकते हैं। डेली बेस पर एक एक सवाल भी करें तो भी आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है 1429 कोड की जो असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2023 है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट नंबर 1 का, बाकी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सपोज दैट द डिमांड एंड प्राइस, डिमांड और प्राइस फॉर अ सर्टन ब्रांड, एक ब्रांड है शैम्पू का, उसके लिए डिमांड और प्राइस दोनों चीज़ें दी हुई हैं। वो कैसे दी हुई हैं? पी इक्वल टू 16 - 5/4 Q। तो यहाँ पे देखें, P और Q क्या है? P से मेरा प्राइस है, Q से मेरा डिमांड है। तो पहले नंबर पे हमने क्या करना है, फाइंड द प्राइस। P हमने निकालना है फॉर अ डिमांड ऑफ 0 and 8 यूनिट। Q की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, Q की वैल्यू यहाँ पे दो जगहों पे दी हुई है, एक Q की वैल्यू 0 है, दूसरी जगह Q की वैल्यू 8 है। तो आपने क्या करना है, क्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करनी है, फिर क्यू की वैल्यू यहाँ पर 8 पुट करनी है, जस्ट ये काम करना है। तो यही मैंने किया, ये फार्मूला है मैंने यहाँ पर लिखा। पहले हमने क्या करना है, क्यू की वैल्यू जो ना हमारे पास 0 है, तो वो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, 0 को 5/4 से ज़रा करेंगे तो 0 हो जाएगा, बाकी 16 रह जाएगा, ठीक है? फिर इसके बाद हम ये क्यू की जगह पे 8 पुट करेंगे, तो वो 8 पुट कर दिया इस क्यू की जगह पे, 4 × 4 = 8, यहाँ पर 2 बच जाएगा, और ये 5 × 5 = 10, और ये 16 वैसे का वैसे, 16 में से 10 निकालेंगे 6। ले जी, ये पहला पार्ट हमारा हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है, फाइंड द डिमांड फॉर द शैम्पू एट अ प्राइस ऑफ 6, 11 and 16। वो कहता है डिमांड निकालें, डिमांड से मतलब क्या, यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकालें, क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब पहले हमने पी की वैल्यू निकाली है, अब हमने क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? कैसे निकालनी है, बड़ा आसान है, यही फार्मूला यहाँ पर लिखा, हमने क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या करेंगे, ये जो सारी वैल्यू है, ठीक है, 5/4 Q, ये माइनस किया है, जब आप इसको राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो फिर क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा, -5/4 Q जब इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये -5/4 Q हो जाएगा, और ये जो P है ये जब इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये माइनस का P हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, उसकी रीज़न ये है कि हमने Q की वैल्यू निकालनी है, और जिस चीज़ की वैल्यू हमने निकालनी है उसको आपने एक साइड पर करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को एक साइड पर करना है। तो यहाँ पर हमने क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू को एक साइड पर, बाकी सारी वैल्यूज़ को हमने एक साइड पर करना है। तो ये P इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये सारी वैल्यू इधर आके प्लस की हो जाएगी। अब ये जो 5/4 है ना, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, जब आप इसको इस साइड पे लेकर आएंगे राइट साइड पे, 5/4 को इस साइड पे लेकर आएंगे तो क्या होगा, 4 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 4 तकसीम हो रहा है इधर आके ज़रब हो जाएगा, जो 5 ज़रब हो रहा है इधर आके तकसीम हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देना है, 4 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और ये 16 - P ये वैसे का वैसे आ जाएगा। ले जी, अब हमने क्या करना है, ये जो P है ना, P की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, पहले 6 है, तो P की जगह पे 6 पुट कर देंगे, 16 में से 6 निकालेंगे 10, ठीक है, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 2 बच जाएगा, 4 × 2 = 8, ओके। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने P की जगह पे 11 पुट करना है, यहाँ पे P है ना, P की जगह पे 11 लिख देंगे, 16 में से 11 निकाले 5, 5 × 5 से कट गया, बाकी 4 आएगा। इसी तरीके से हमने क्या करना है, पी की जगह पर 16 पुट करना है, पी की जगह पर 16, तो यहाँ पर पी की जगह पर 16 पुट कर देंगे, 16 - 16 = 0, 0 को 5 × 4 से जरूर करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो ये तो था दूसरा पार्ट, दो पार्ट होगा। अब तीसरा पार्ट है, उसमें वो कहता है ग्राफ बनाएं, तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन कर लिया है, ग्राफ बनाने का टाइम भी आ गया, वो भी आसान लगेगा आपको, मैं बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास दो चीज़ें हैं, क्यू और पी, तो क्यू और पी आप लिख लेना, क्यू और पी, तो यहाँ पर ये 0, 4, 8 ये कैसे है, ये बड़ा आसान तरीका है। देखिए, यहाँ पर क्यू की वैल्यू पहले 0 है, फिर 4 है, फिर 8 है, 0, 4, 8 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आप पी की देखें, पी की कितनी है, देखिए पी की यहाँ पे हमारी कितनी थी, यहाँ पे कितनी थी,
पी की वैल्यू यहाँ पे 16 थी तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे कितनी 11 थी तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे कितनी थी 6 थी तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। सिंपल सा काम है। देखिए अगर Q की वैल्यू 0 है तो P की वैल्यू 16 है, Q की वैल्यू 0 है तो P की वैल्यू 16 है। अगर यहाँ पे P की वैल्यू 11 है तो Q की वैल्यू कितनी है 4 है। अगर हमारे पास ये Q की वैल्यू 8 है तो P की वैल्यू हमारे पास 6 है। जस्ट ये काम करना है, ठीक है, इसको टेबल में लिख देना है। अब आपने ये एक लाइन दो लाइनें ड्रा कर लिए कर लेनी है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, एक दूसरे के ऊपर आपने दो लाइनें ड्रा कर लेनी है। ओके, अब आपने करना क्या है, आपने देखना यह है कि यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 16 है, तो 16 तक आपने नंबर लगाने हैं, कम से कम 16 तक लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो P है ना, P के नंबर कम से कम 16 तक लगाने हैं, Q के नंबर कम से कम 8 तक लगाने हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो Q है ना, इस Q के नंबर यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 तक मैंने लगा दिया। आप 12 तक भी लगा सकते हैं, 10 तक भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास P है ना, P की वैल्यू 16 है तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, मैंने 20 तक लिख दिया। आप 16 तक भी लगा सकते हैं, 18 तक भी लगा सकते हैं, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है, ठीक है। अब जैसे आपने इनको यहाँ पे ये डॉट लगाने हैं, ये कैसे लगाने, Q की वैल्यू कितनी है 0, तो इस लाइन पे ये जो लाइन है ना P वाली लाइन पे Q 0 होगा। P वाली लाइन पे क्या होगा, Q 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे यहाँ पे Q 0 होता है, तो ये सेंटर है, इस सेंटर पे Q 0 होगा, ठीक है। तो लेकिन P की वैल्यू हमारे पास कितनी है 16 है, तो वो P की वैल्यू हमारे पास ये 16 आ जाएगी। यहाँ पे Q की वैल्यू 0 है क्योंकि ये सेंटर है, Q की वैल्यू 0 है, P की वैल्यू 16 है। उसके बाद देखिए Q की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पे देखिए Q की वैल्यू ये 4 है, आपने इस ऊपर की तरफ जाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे वैल्यू कितनी है 11 है, तो ऊपर आपने जाना है 11 तक, ठीक है, 11 तक जाना है ऐसे, ओके 11 तक जाना है। ये 10 है, 10 से थोड़ा सा ऊपर 11 आ जाएगा, ओके। तो ये 10 से थोड़ा सा ऊपर जाना है, यहाँ से 4 से ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ से 10 से थोड़ा सा ऊपर इसके बराबर सामने। इसके बाद देखिए Q की वैल्यू हमारे पास 8 है, Q की वैल्यू 8 है, आपने ऊपर की तरफ जाना है, लेकिन कहाँ तक जाना है, 6 तक, ये 6 है ना, इस 6 के सामने तक, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपने जाना है, ओके। होपफुली कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद आपने इन तीनों लाइनों को मिला देना है, ये तीनों डॉट है ना, इन तीनों डॉट्स को आपने मिला देना, एक लाइन बन जाएगी, इस तरीके से इसका ग्राफ बना देना है। होपफुली कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब इसका हमने करना है, ये आगे भी इसके पार्ट्स दिए हुए, तो मैंने ये तीन पार्ट्स करवा दिए, अब इसके बाद चौथा पाँचवा छठा पार्ट भी हम करते हैं, और इंशाल्लाह बाकी चीज़ें जो हैं वो भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2023 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। हमारे पास दो पार्ट हैं, ए और बी, यहाँ पे उन्होंने कंबाइन दे दिए हैं, ए और बी पार्ट को एक दूसरे के साथ रिलेट कर दिया है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को एक ही वीडियो में बनाने की कोशिश की है। तो देखिए इन दोनों को एक ही वीडियो मैंने समझा दिया। हमारे पास लिखा हुआ है सपोज द प्राइस और सप्लाई दी हुई है शैम्पू की, वो ये दी हुई है पी इक्वल टू 3/4 Q, पी से मराद प्राइस है, क्यू से मराद सप्लाई है, ठीक है। पहले नंबर पे वो कहता है कि फाइंड द सप्लाई व्हेन द प्राइस इज, ये प्राइस दी हुई है 0, 10, 20 डॉलर, इन वैल्यूज पे इस प्राइस पे सप्लाई कितनी होगी वो हमने देखना है। सबसे पहले हमने ये फार्मूला लगाना है, अब यहाँ से हमने फाइंड आउट क्या करना है, सप्लाई, और सप्लाई किसको शो करती है, क्यू को। इसका मतलब क्या होगा, हमने क्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, वो यहाँ पे बता दिया फाइंड द सप्लाई, और सप्लाई को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू, तो हमने क्यू निकालना है। तो क्यू निकालेंगे, क्यू यहीं पर आ जाएगा, ये 3/4 है, इधर आके पी के साथ 4/3 हो जाएगा। जब ये वैल्यू इस साइड पे पी की तरफ लेकर आएंगे तो ये 4/3 हो जाएगी, तो ये 4/3 पी के साथ हो जाएगी, और यहाँ पर अकेला क्यू रह जाएगा, ओके। सबसे पहले हम पी की वैल्यू लेते हैं 0, जब पी की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 लिखें, 0 को 4/3 से ज़रब करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, एक हो गया। दूसरा हमारे पास है पी की वैल्यू, हमारे पास है 10, तो यहाँ पे पी की जगह पे 10 दिखा देंगे, पुट करेंगे तो 10 को 4 से ज़रब करेंगे 40 को 3 पर ज़रब करें, तकसीम करेंगे तो वो 13/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से
अब हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है 20, तो जब हमारे पास पी की वैल्यू 20 हो तो यहाँ पे पी की जगह पे आपने क्या करना, पी की जगह पे 20 दर्ज कर देना है। तो 20 को 4 से ज़रब करना 80 और 3 पे तकसीम कर देना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 26.68। ये क्यू की वैल्यू आ गई है। तो ये हमारा पहला पोर्शन हो गया हल। अब वो कहता है कि इसका ग्राफ भी बनाएं, ग्राफ द ये वाला ऑन द सेम एक्सिस, जो हमने पहले टेबल बनाया था ना, ये ग्राफ बनाया था, सॉरी ग्राफ बनाया था, उसी ग्राफ पे ही इसका भी बनाना है आप लोगों ने, ठीक है। इसलिए ये सारे क्वेश्चन को मैंने एक ही वीडियो में बनाया है, समझाया। तो आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना पड़ेगा आप लोगों को, क्यू और पी, 0, 2, 4, 6 और 8, ये वैल्यूज़ ले लेनी आप लोगों ने, 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू ले लें, कोई भी वैल्यू ले लें, तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये देखें तरतीब दी हुई है, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, मैंने दो के हिसाब से लिया ये, ठीक है, इसलिए 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये वैल्यू ले ली है, पहले आप ज़ीरो पुट करेंगे यहाँ पे, आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्यू की जगह पे ज़ीरो पुट करना है। क्यू की जगह पे आप ज़ीरो पुट करेंगे तो पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ज़ीरो। क्यू को ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे ये ज़ीरो को 3/50 जब करेंगे वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से अगर क्यू की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 दर्ज करें, 3 × 2 = 6, 6 को 4 पे तकसीम करेंगे तो आ जाएगा 1/5। इस तरीके से अगर हम क्यू की वैल्यू 4 दर्ज करें तो यहाँ पे 4, 4 × 3 = 12, तो 12 को 4 पे तकसीम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से जब हमारे पास क्यू की वैल्यू 6 है तो ये 6 × 3 = 18, 18 को 4 पे तकसीम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4/5। और अगर हम यहाँ पे 8 दर्ज करें, 8 × 3 = 24, और 24 को 4 पे तकसीम करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 6। अब इसका टेबल आपने ग्राफ ड्रा करना है, क्यू की वैल्यू 0 है, पी की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पे क्यू भी 0 है और पी भी 0 है। लेकिन यहाँ पे याद रखना इस चीज़ को, ये जो क्यू है ये क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये है सप्लाई, और पी क्या है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है प्राइस को, ठीक है, इस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरा नंबर वो क्या हमारे पास है, 2, क्यू की वैल्यू 2 है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे देखिए ये 2 है, पी की वैल्यू 1/5 है, तो 2 से नीचे आएगी तो ये वाला पॉइंट आ गया, 2 से ये वाला 2 ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ से 1/5 के सामने, ठीक है। दोबारा सुन लें, क्यू की वैल्यू 2 है, ये 2 है, इसके ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है, 1/5, वो 1/5 यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे इस तरफ लेकर आएंगे, ठीक है। ले जी, ये पॉइंट बन गया। इस तरीके से जब हमारे पास क्यू की वैल्यू 4 है, क्यू की वैल्यू 4 है, इसको अब ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, और पी की वैल्यू 3 है तो वो यहाँ पे सेंटर पे आएगी, ठीक है। इसी तरीके से क्यू की वैल्यू 6 है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ये 6 है, ठीक है, और पी की वैल्यू हमारे पास 4/5 है, ये 6, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे 4/5 यहाँ पे सेंटर में तकरीबन ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्यू की वैल्यू 8 है, तो क्यू की वैल्यू ये 8, इससे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, और पी की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो यहाँ पे 6 इस तरफ लेकर जाएंगे, ये वाला पॉइंट आ गया। अब इन तीनों, ये जो 4 डॉट्स हैं 5, इनको आपने मिला देना है एक लाइन के ज़रिए। अब आपने देखना ये हमारा एक सवाल ये वाला हल हो गया, ग्राफ वाला। अब जो अगले दो सवाल है ना, उसको आपने यहीं से सॉल्व कर लेना है। कैसे, वो कहता है कि फाइंड द इक्विलिब्रियम सप्लाई और इक्विलिब्रियम प्राइस, दोनों चीज़ें मालूम करनी है, मतलब कि पी और क्यू की वैल्यू मालूम करनी है, सिंपल, पी की और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी, तो आसान है, मुश्किल नहीं है। देखिए, एक लाइन हमारे पास पहले थी, एक लाइन हमने अब ड्रा की है, तो वो वाला पॉइंट आपने ढूंढना है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, दोनों लाइनें जहाँ एक दूसरे को काट रही हैं। एक्चुअली हमारा ये छठा और सातवां सवाल है, उसका आंसर वहीं पे मौजूद है। तो यहाँ पे ये दोनों काट रही हैं, यहाँ पे देखना ये है कि सप्लाई की वैल्यू कितनी है, 8, और प्राइस की वैल्यू कितनी है, 6, ठीक है। ये वाला पॉइंट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस को, और ये 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सप्लाई को। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन ऑब्जर्व दैट द डिमांड कर्व इंटरसेक्ट, याद रखना है, जो डिमांड कर्व है हमारे पास वो इंटरसेक्ट करती है सप्लाई कर्व को, एट द पॉइंट वेयर द प्राइस इज $6 एंड द सप्लाई इज $8। तो
तो यहाँ पे ये जो प्राइस है ये कितनी है, ये $6 है, और जो सप्लाई है वो कितनी है, $8 है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि डिमांड और जो हमारे पास ये सप्लाई है, ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। दोनों के कर्व जो ना वो उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब क्या, एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे मीट कर रहे हैं, तो वो वाला पॉइंट है ये वाला। इस पॉइंट पे आपने ये बताना है कि जो सप्लाई है वो $8 है और जो प्राइस है वो $6 है। सिर्फ इतना काम करना है आप लोगों ने, तो ये सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझाई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।